और किस तरह से आप अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि आइदर वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं या ओवरवेट है या अंडरवेट है। हमें अक्सर अपनी पोर्शन साइज़ का ही नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ कितनी लेनी चाहिए, तो उस चीज़ को प्रॉपर गाइडलाइन करने के लिए हमने ब्रोशर्स भी अलहदा से जनरेट किए हैं। अपनी कोशिश की है कि हम अपनी रेगुलर रूटीन डाइट के अंदर कुछ इनोवेशन लाएं और कुछ अच्छी रेसिपीज़ इंक्लूड करें जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हों, जो न्यूट्रिशन फ्रेंडली भी हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिलानी पार्क लाहौर में और यहाँ पर जो खसूसन सकाफ़ती मेले का अहतमाम किया गया है, जो किया भी जाता है अक्सर औकात और इस साल भी यहाँ पर हुआ है। आज हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टॉल है यहाँ पर खसूसी तौर पर लगाया गया है, जिसका बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है हेल्थ को लेकर। तो बात करेंगे हमारे साथ इस स्टॉल पे जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त जवेरिया मौजूद हैं, वो बताएंगी कि ये जितना भी प्रोसेस है यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको किस तरह से सर्व किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया नज़ीर है और मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना हेल्दी डाइट से रिलेटेड, हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड, और किस तरह से आप अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ ना हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क से। यहाँ पे हम जो भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं हम उनकी प्रॉपर डिटेल्स लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और सारी चीज़ें, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर वो हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने ऑफिस में, चूँकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। प्रॉपर डिटेल्स जितने भी लोग, जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉपर डिटेल्स देते हैं, ताकि फीडबैक अगर उनमें से किसी को भी रिक्वायर्ड हो तो हम उन्हें अपने ऑफिस में फ्री कंसल्टेशन के लिए भी एडवाइस करते हैं कि फॉर फर्दर रिकमेंडेशन हमारी ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी मशीन है जिसमें हम बेसिकली क्लाइंट्स के BMI, बॉडी फैट और विजुअल फैट करते हैं। इसमें जी ये दिखाएगा, ये यहाँ पर जो है जो भी आते हैं लोग या क्लाइंट्स हैं उनका बॉडी का जो भी मास है वो चेक किया जाता है। हाँ जी, इसमें वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हम BMI वगैरह कैलकुलेट करते हैं और बॉडी फैट निकालते हैं कि एक फैट बॉडी फैट वो जो आपका विजिबल फैट होता है, जिसको आप और मैं बता सकते हैं बींग अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आपका बॉडी फैट ज़्यादा है या कम है। एक विजिबल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स पर जो फैट होता है उसके बारे में, तो ये इसमें वो सारी मेजरमेंट्स आ जाती है, फिर उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको फर्दर रिकमेंड करते हैं काउंसलिंग के लिए। हमने ये जो डेस्क है ये भी बता दें कि यहाँ पर मेल, ये हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये मेल्स के लिए है और उससे अगला जो है वो फीमेल्स के लिए है, और हमने एक फॉर्म जनरेट किया है, अगर आप कहें तो मैं आपको उस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूँगी। जी, ये हमने स्पेशली फॉर्म जनरेट किया है, ये हमारा फॉर्म हमारे कैंप्स पे वेरी करता है, हम किस जगह पे कैंप करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं। इस फॉर्म में किसी भी पर्सन की प्रॉपर 24 आवर्स की डाइट डिटेल्स, उनका स्लीपिंग पैटर्न, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा वो कोई सप्लीमेंट्स या कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं उसके बारे में, उनका हाइट वेट, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हम जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं वेट हाइट BMI बॉडी फैट और विजुअल फैट की, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को गाइड करते हैं कि आइदर वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं या उनका ओवरवेट है या अंडरवेट है। ये सिर्फ वेट के लिए कंसर्न लोगों के लिए नहीं, इसके अलावा हम डिजीज़ स्पेसिफिक भी करते हैं। पिछले एक वीक से हम ये कैंप कंडक्ट कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, स्किन कंडीशन से रिलेटेड हैं, तो हम उन्हें भी अकॉर्डिंग टू देयर डाइट और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हम उन्हें कंसल्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और मोस्टली लोगों में जो हमने असेसमेंट की है, हमारा नेक्स्ट जो डेस्क है वो काउंसलिंग का है, हमने ये असेस किया कि लोगों में फिजिकल एक्टिविटी का जो फैक्टर है वो बिल्कुल जीरो है। बहुत से लोगों को यही कंप्लेन होती है कि हम फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाते, हमारे रूटीन में वो एडजस्ट नहीं होते, और एक जो मिसकंसेप्शन लोगों में होती है कि हम डेली का तो इतना चल लेते हैं तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी होगी। इस चीज़ को क्लियर करती जाऊँ कि वो हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होगा, सेडेंट्री नहीं होगा, लेकिन वो आपकी वॉक ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिल्कुल काउंट नहीं होता। हम वो इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट्स वॉक के आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम आपने अपनी बॉडी को देना है, उस टाइम में आपने सिर्फ वॉक करनी है, ताकि आपकी फुल बॉडी इंगेज हो, आपकी हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो, जितनी आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी उतने आपके ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। ये हमारा काउंसलिंग नेक्स्ट जो है वो डेस्क है, वो हमारा ये फीमेल रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेसिकली ये हमारा काउंसलिंग डेस्क है। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो काउंसलिंग होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ब्रोशर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक बैलेंस डाइट पर ब्रोशर है, अगर किसी को पता करना है कि वो क्या डाइट लेना ले सकते हैं, पूरे दिन में उन्हें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और कितने पोर्शंस में लेनी चाहिए। किसी भी डाइट का पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जब भी हम अपनी डाइट को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप उसके पोर्शन साइज़ को लिमिट करें, रेदर देन हम ये कहें कि आप उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, अंटिल अनलेस अगर वो आपकी किसी क्रॉनिक कंडीशन को ना डिस्टर्ब करें। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने, हमने खुद कॉन्टेंट जनरेट किया, ये बेसिकली रिसर्च प्रूव्ड आर्टिकल्स हैं,
इस तरह के हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे ब्रोशर्स हैं जो हम जब भी इस किस्म की किसी भी पार्क्स में या हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स लगाते हैं तो हम लोगों को ये ब्रोशर्स प्रोवाइड करते हैं। इन ब्रोशर्स में सारी डिटेल्स मेंशन होती है और हमारा इस पर नंबर भी मेंशन होता है कि अगर वो हमारे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ हमारे ऑफिस विज़िट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेस्क है वो हेल्दी रेसिपीज़ का डेस्क है। उस पर बेसिकली हम लोगों ने डिजीज़ स्पेसिफिक हेल्दी इनोवेटिव न्यूट्रिशन रेसिपीज़ बनाई हैं। हमारा उसको करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो न्यूट्रिटिव और हेल्दी और टेस्टी चीज़ें एट अ टाइम नहीं ले सकते, तो उस चीज़ उस मिथ को थोड़ा सा बस्ट करते हुए हमने इस तरह की रेसिपीज़ बनाई हैं जिनमें आपका टेस्ट भी डेवलप रहेगा, जो न्यूट्रिशन तरीके से भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी और जो आपको किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मीठी चीज़ भी बनाई है तो उस मीठी चीज़ में भी हमने शुगर के रिप्लेसमेंट में स्टीविया या ब्राउन शुगर इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं और उनकी क्वान्टिटी को बहुत हमने मॉनिटर किया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट कम है तो उस हिसाब से वो उतनी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐड की है, ना कि ज़्यादा। हमें अक्सर अपनी पोर्शन साइज़ का ही नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ कितनी लेनी चाहिए, तो उस चीज़ को प्रॉपर गाइडलाइन करने के लिए हमने ब्रोशर्स भी अलहदा से जनरेट किए हैं। जो भी रेसिपीज़ हमने बनाई हैं डिजीज़ स्पेसिफिक रेसिपीज़ की स्पेसिफिक ब्रोशर्स भी हैं और हमने कोशिश की है कि हम अपनी रेगुलर रूटीन डाइट के अंदर कुछ इनोवेशन लाएँ और कुछ अच्छी रेसिपीज़ इंक्लूड करें जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हों, जो न्यूट्रिशन फ्रेंडली भी हों। थैंक यू। थैंक यू जी। कुछ बात करेंगे यहाँ पर जो अभी इस वक्त देख भी सकते हैं कि आप लोग जो हैं वो बड़े इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि जो यहाँ पर इन्होंने एक खास तौर पे रेसिपीज़ का डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ पर ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ और इनोवेटिव रेसिपीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो आपकी हेल्थ को लेकर बेनिफिशियल हैं। वो लोग जो किसी ना किसी डिज़ीज़ को लेकर चल रहे हैं उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं कि वो किस तरह घर की आप फूड आइटम्स से और जो डेली रूटीन के आइटम्स हैं उनको किस तरह से आप अपने मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और डिज़ीज़ को क्योर भी कर सकते हैं, तो आपकी गजाइत भी इससे पूरी हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं, आपको साथ पर साथ दिखाते भी हैं और स्क्रीन पर भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जिनको आप घर पर ईज़िली बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इन रेसिपीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस पैदा करना है और लोगों में ये शौर उजागर करना है कि किस तरह से घर की जो यूज़लेस आइटम्स हैं या जो ऐसी डाइट की चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इस्तेमाल करके किस तरह से हेल्दी वे में जो है उसको अपनी बॉडी में इंटेक किया जा सकता है। ये सारी रेसिपीज़ यहाँ पर इस वक्त उन्होंने ब्रोशर की सूरत में भी यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर आप इनके बारे में सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यकीनन लोग इस प्रोग्राम के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ही उनके में सवाल होगा कि हम किस तरह से इन रेसिपीज़ को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपने जो इनके लिंक्स हैं उनके वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनकी रेसिपीज़ मौजूद हैं, हर चीज़ की डिटेल मौजूद है। और अगर आप जिलानी पार्क लाहौर में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस मिल रही है कि आप अपने बॉडी का जो एनालिसिस कर सकते हैं, वेट वगैरह और जो भी कोलेस्ट्रॉल है, हर चीज़ बॉडी का मास आपको पता लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा, काउंसलिंग होती है और आपको जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी में इस वक्त ज़्यादा है और कौन सी चीज़ जो है वो कम है। तो सारा कुछ आपको यहाँ से आके मालूमात मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेशन ले सकते हैं डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से। और मज़ीद कोई आपको रेसिपीज चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और तमाम तर रेसिपीज़ वहाँ से जाके बना भी सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा सोशल क्लिक। अल्लाह हाफिज़।